हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए हम बनाने जा रहे हैं आज अरबी के पत्ते या फिर कोचाई पत्ता बोल सकते हैं इसको। देखिए बहुत इजी है सब्जी बनाने वाला। चलिए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये बताइएगा, प्रोसेस देखते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पत्ता कढ़ी। ये मैंने 5 से 6 लिया है और 1 पाव करीबन बेसन और थोड़ा सा खाने का सोडा, नमक, ये सब चीज़ ऐड करूँगी मैं। पहले इसको पहले कटिंग कर देते हैं हम लोग। उसके बाद कटिंग करने के बाद ये मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, इसका प्रोसीजर आप लोग देखिएगा। और मैं अभी जो प्रोसीजर से बना रही हूँ इसको, रोल वाला नहीं बना रही हूँ, इसको मैं कट वाला बना रही हूँ। और इसको कट करने के बाद पूरा सब हम लोग मिक्स कर देंगे, बेसन, नमक और खाने का सोडा। और जैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं सबको एक घोल बना दूंगी। घोल बनाने के बाद एक थाली लूंगी, थाली में मिक्सर को ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी उसमें अच्छे से। थाली में पहले तेल ग्रीस कर लूँगी, उसके बाद मिक्सर को डाल दूँगी, उसके बाद फिर बॉईल करने के लिए रखूँगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था एक बॉल में। इसमें बेसन का पूरा मिक्सचर है और पानी गर्म की हूँ मैं कढ़ाई में। अब इसको हम लोग ढक दिए हैं। देखिए 10 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो गया है, थोड़ा सा बीच का बचा है, 2 मिनट और रख देते हैं ढक के हम लोग। अच्छे से बन गया ये, चलिए इसको कट करते हैं हम लोग। देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है, इतना अच्छा बन जाया है, इसमें बहुत अच्छे से बना है। चलिए इसको तलने के लिए हम लोग कढ़ाई रख दिए हैं। ये हमने तेल डाल दिया है, गर्म हो रहा है तेल। चलिए हम लोग कुछ पीसेस डालते हैं। अच्छे से तल जाएंगे। जितने पीसेस आएंगे हम उसे उतना डाल देते हैं इसमें, अच्छे से तलने देते हैं हम। क्या ना ऐसे टाइप का कुछ पत्ता रहता है जो कोई खुजली होता है, अच्छे से उसको तलने देंगे हम लोग तो खुलाएगा ना। ये एक तरफ से सिक गए हैं, अब मैं इसे पलट रही हूँ। ऐसे स्टाइल से भी बनाएंगे आप तब भी बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सबको हम लोग पलट, देखिए सारे पीस यहाँ पे तल गए हैं। मैं ये दूसरी बार तल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा करारा तला हुआ है। चलिए इसका प्रोसेस करते हैं हम लोग, आगे सब्जी बनाते हैं। चलिए हम सब्जी बनाने के लिए ये हम लिए हैं 2 टेबल स्पून बेसन, थोड़ा सा दही और ये मिर्च मैंने कट करके रख लिया है। ये कड़ी पत्ता है, ये आम है कच्चा, इसको कट कर लिया है। ये मट्ठा है मही, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी मैं, दही की मात्रा कम है। और ये टमाटर है 2। चलिए बनाते हैं। देखिए हमारी कढ़ाई जिसमें मैं तली हुई थी उसमें थोड़ा सा तेल और डाल दी हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं हम लोग। ये आम और कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये उसके बाद में टमाटर डाल देती हूँ, उससे भी नमक ऐड कर देते हैं पूरा 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ। उसको अच्छे से मिला देते हैं हम लोग, 2 मिनट के लिए पकने देते हैं, ढक के रख देते हैं। ये जो मट्ठा रखी हूँ मैं, इसमें बेसन को ऐड करते जाऊँगी।
अच्छे से मिला लेंगे हम लोग, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। मैंने इसमें बेसन 2 बड़े चम्मच लिए थे, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब ये जो मिक्स मैंने किए हैं इसमें उसको डाल देते हैं, थोड़ा सा दही, मैं 1 मग पानी में ऐड कर देती हूँ, बॉईल आने देती हूँ। चलिए इसमें हल्का बॉईल आ गया है, तो हम लोग पीसेस इसमें डाल देते हैं। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं बॉईल होने के लिए। देखिए हमारी सब्जी हो गई है, इसका रस भी गाढ़ा हो गया है, अच्छे से पक भी गया है, तो ऑलरेडी बॉईल हो गया है, बस इसमें मिलना था, अच्छे से मिल गया है। चलिए गैस का फ्लेम हम लोग बंद कर देते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी है, ज़्यादा टाइम ले नहीं लेता है ये, सिर्फ उबालने बस में थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी बहुत ईजी है सब्ज़ी। आप भी अपने घर में ये बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। मैंने कोचई पत्ता का दूसरा वीडियो डाला है, फर्स्ट वीडियो रोल वाला बनाई हूँ मैं, और ये पीसेस वाले। चलिए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो कैसे हैं, आपको कैसा लगा। थैंक यू।